हूं सोनित चौरे और आप देख रहे हैं जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। गोटेगांव थाना अंतर्गत नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार के नाबालिग से दुष्कर्म पर फांसी के ऐलान के बाद भी नाबालिगों से दुष्कर्म की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला नरसिंहपुर के गोटेगांव थाना अंतर्गत लाड़ गांव में सामने आया है, जहां पर अजय श्रीपाल नाम के गांव के ही आरोपी ने 13 साल की मासूम पीड़िता को घर में अकेले पाकर उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला और मौके से फरार हो गया। डरी सहमी पीड़िता ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस ने पहले तो खाना पूर्ति करते हुए छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया, लेकिन पीड़िता द्वारा आपबीती बताए जाने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बाल लैंगिक अपराध पास्को एक्ट के तहत एवं धारा 376 के अंतर्गत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अब भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो क्या दुष्कर्म हुआ है बच्ची के साथ? छेड़छाड़ की बात सामने आई थी, तो जो फरियादियाँ थी उसके अनुसार फरियाद दर्ज की गई थी। बाद में उनके द्वारा 376 की इंग्रीडियंट्स बताया गया, तो उसके आधार पर फरियाद की गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर कब तक आरोपी गिरफ्तार? जल्दी गिरफ्तार करेंगे। नरसिंहपुर से नीलेश मेहरा की रिपोर्ट।